अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हनीफ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल टीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज मैं आपको एस्थमा का कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। एस्थमा बड़ी तेज़ी से हमारे मुल्क में बढ़ रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे पोलन्स, पैट्स, चेंज ऑफ वेदर, एलर्जेंस, धुआं और बहुत सारे ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से एस्थमा का इंसिडेंस जो है हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे बच्चों में 15-20% इन द लास्ट 5 ईयर्स ये बढ़ गया है। और इसकी कुछ वजह इनप्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन भी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी वजह है। इसका प्रॉपर इलाज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एस्थमा का प्रॉपरली इलाज किया जाए तो जो एड अप होते हैं ड्यू टू द इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस्थमा कंट्रोल बड़ा इजीली अचीव किया जा सकता है। एक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन प्लान एस्थमा का होता है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो एस्थमा को बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। जो बेसिक दवाइयाँ एस्थमा में यूज़ की जाती हैं वो इन्हेलर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स और लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्करनिक एजेंट्स और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और ICS की फॉर्म में ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से एस्थमा को बड़े प्रॉपर और प्लान्ड तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एस्थमा की कंट्रोलिंग इज़ वेरी सिंपल बाय अ ट्रेंड फिजिशियन, विच इज़ बाय ईदर ऑफ द रेस्पिरेटरी फिजिशियन और द जनरल मेडिसिन फिजिशियन। एस्थमा को फर्दर रिड्यूस करने के लिए एलर्जन एक्सपोजर बहुत कम होना बहुत ज़रूरी है। अब जितनी डस्ट हमारे मुल्क में होती है या स्मोक एरियाज, स्मोक की प्रेजेंस की वजह से ये सारी डिजीज़, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो वर्स हो जाती हैं। उसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फेक्शंस का होता है, अगर इन्फेक्शंस ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएँ तो एस्थमा दैट बिकम्स मोर फर्दर डिटीरियोरेटेड। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स एस्थमा में अचीव कर लिए जाएं तो एस्थमा को कंट्रोल करना आसान है। और कुछ लोगों का ये भी परसेप्शन होता है कि अगर इन्हेलर्स एस्थमा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर एस्थमा में इन्हेलर्स को यूज़ करें तो एक तो एस्थमा बड़ी जल्दी ट्रीट हो जाता है और वो प्रिवेंटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो एस्थमा इज़ आर पोटेंशियली रिवर्सिबल डिजीज़, सो डोंट बी पैनिक एंड ट्रीट योर एस्थमा एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।